अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज़नीन स्वीट एंड स्पाइसी। आज मैं बनाऊंगी मिसी रोटी। मिसी रोटी और बेसन की रोटी पंजाब में बहुत फेमस है। चले शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया एक आटा, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी मैं। ये मैं बच्चों के लिए सेपरेट आटा गूँधने लगी हूँ। एक कप आटे में मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन की ले ली है। अब इसमें एक प्याज में चॉप करके ऐड करूँगी। अब इसमें सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 से 1 चम्मच और नमक 1/2 चम्मच ऐड कर दूँगी। ये मैं बच्चों के लिए अलग से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कम स्पाइसेस यूज़ किए। बच्चे चूँकि कम स्पाइसेस खाते हैं। अब मैं एक अलग बाउल में 2 कप आटा ले लूँगी, उसमें 1 कप बेसन ऐड करूँगी। दो से तीन प्याज ले लिए थे मैंने, इनको बारीक चॉप कर लिया। सर्व में चॉप्ड अनारदाना 1 खाने का चम्मच, साबुत सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और सुरख मिर्च का पाउडर 2 चम्मच ऐड करूंगी मैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें और पानी से गूंध लें। जिस तरह आम रोटी के लिए आटा गूंधते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसको गूंध लें। जब ये स्टेज पे आ जाएगा तो मैं इसको ऑयल के साथ गूंधूंगी। इससे रोटी बहुत सॉफ्ट पकेगी। ऑयल को मैंने एक अलग बाउल में ले लिया, मैं इसको ऑयल के साथ गूंद रही हूँ। आटे को मैंने गूंद लिया, इसमें मैंने जस्ट प्याज, नमक और मिर्च ऐड किए। अब मैं ये दूसरा आटा गूंद लेती हूँ। इसमें मैंने 2 कप आटा लिया था, 1 कप बेसन लिया था, प्याज, नमक, मिर्च, अनारदाना, सूखा धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड किए और इसको मैं पानी से गूंद रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत मज़े की रोटियां बनती हैं। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसको भी मैं ऑयल के साथ गूंदूंगी इसी स्टेज पे। आटा मैंने गूंद लिया, अब मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। जैसे घर पे आप चपाती बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी रोटी बना लेनी है।
अभी इसको बेल के इसके ऊपर मैं बटर रखूँगी और फिर दोबारा से इसको बॉल की शेप दे लूँगी। बटर ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर से मैं सारी रोटी बेल के इसमें बटर ऐड करूँगी और अगेन बॉल की शेप दे लूँगी। मैं बटर को ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, मेल करके यूज़ नहीं करी। अगर मेल करके यूज़ करेंगे तो रोटी टूट सकती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से। अब मैं इसको बेल के रोटी रेडी कर लूँगी। मैं इसको ऑयल के साथ पकाऊँगी, आप चाहें तो घी और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका डिफरेंट प्रोसीजर आपको बताने लगी हूँ। बटर पेपर लें, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ये जो हमने बॉल बनाया था उसको उसके ऊपर रख लें। हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करें और अगेन बटर पेपर ऊपर रख के इसको बेल लें। ये बहुत इजी मेथड है उन लोगों के लिए जिनके लिए रोटी बनाना मुश्किल होता है या जिनको ये डर हो कि रोटी टूट जाएगी। ये बहुत इजी मेथड है, इससे रोटी टूटेगी भी नहीं। अब इसको उठा लें बटर पेपर के साथ ही, आप इसको हाथ पे उठा के तवे पे डाल सकते हैं। इस तरह से बटर पेपर इससे अलग हो जाएगा बहुत इजीली। अब इसी तरह से मैं सारी मिसी रोटियां रेडी कर लूँगी। अगेन आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लगाया, मैं इसको हाथ की मदद से प्रेस कर रही हूँ। अब इस पर अगेन बटर पेपर रख के बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको बेल लें। बहुत सॉफ्ट हैंड से रोलर यूज़ करें, अब इजीली इसको हाथ पे लेके अब इसको तवे पे डाल सकते हैं। मिसी रोटी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब इसको प्याज वाली रोटी भी कह सकते हैं, बेसन की रोटी भी कह सकते हैं। मैं इसको हाथ से ही बेलूंगी।
आप इसको विदाउट बटर पेपर भी बेल सकते हैं। मिसी रोटी हमारी रेडी हो गई है। मैं इसको बटर के साथ और लस्सी के साथ सर्व करूंगी। मिसी रोटी के साथ लस्सी का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।